चीज और ये ग्लासी है, शाइनी है, ठीक है, शाइनी सरफेस है और इसके ऊपर स्ट्रीक्स भी है, ठीक है, स्ट्रीक्स लाइन से ब्लैक है। तो ये आर टेस्ट रॉयल सीड्स, ठीक है, टेस्ट रॉयल सीड्स। इसमें ये जो है ये बंसा है, ठीक है, ये भी टेस्ट है, सो दे आर कैस्ट्रॉयल सीड। सर तब भी सीनर आ जाए, सर ब्लास्ट है, तब भी सीनर आ जाए, सर ब्लास्ट। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है कैस्ट्रॉयल प्लांट्स? चले एरिटेंट्स, ठीक है, एरिटेंट्स की जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, तो एरिटेंट्स दे आर they are organic and inorganic, ठीक है, उससे पहले कोई थी mechanical, metallic and non-metallic, inorganic में दो है ना, metallic और non-metallic। हाँ, तो inorganic में हमारे पास दो हैं, metallic और non-metallic, metallic और non-metallic, ठीक है, जितने भी heavy metals हैं they are metallic irritants, और फास्फोरस और आयोडीन जो है दे आर नॉन मेटालिक इरिटेंट्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हमारे पास देन अगेन वी हैव टू क्लासेस, एनिमल पॉइजंस और प्लांट ऑरिजिन पॉइजंस, ठीक है। सो दिस इज दैट प्लांट ऑरिजिन, प्लांट ऑरिजिन में दैट्स अ बिग बिग क्लास, ठीक है ना, क्या नाम है, तो आप वहाँ पे देख रहे हैं कोई शफीक, ये सबसे लंबा बंदे हमारे घर में, चले। तो इसमें कैस्ट्रॉयल प्लांट और क्रोटॉन टिगलियम एब्रस प्रिकेटोरियस, ठीक है, मार्किंग दैट, सो दैट्स अ बिग बिग, सो दिस इज वन ऑफ दैट, ठीक है। एक्चुअली प्रिंसिपल इसका क्या है कैस्ट्रॉयल सीड्स में, कैस्ट्रॉयल सीड का दूसरा नाम क्या है, व्हाट्स द अदर नेम ऑफ कैस्ट्रॉयल सीड्स? रिसिनस कम्युनस, रिसिनस कम्युनस, ठीक है, रिसिनस कम्युनस। सो द एक्टिव प्रिंसिपल कंटेंड इन दिस इज रिलेटेड टू दिस रिसिनस कम्युनस, राइसिन, ठीक है, राइसिन। और इस तरह कुछ और भी हैं जिसमें आपको दोनों नाम याद रखनी है, ठीक है, तभी वी विल बी इन अ पोजीशन टू आपको याद आ जाए कि क्या एक्टिव प्रिंसिपल इसका है, ठीक है। सो राइसिन, राइसिन का फेटल डोज कितना है, 10 मिलीग्राम, ना 6 मिलीग्राम या 10 सीड्स, ठीक है, 6 मिलीग्राम और 10 क्रश सीड्स, आपने क्रश भी बोलना है, ठीक है, बिकॉज समटाइम दी उसके सीट के ऊपर जो पेरी कैप है दैट सो स्ट्रॉन्ग कि वो आप ऐसे ही निकल लें तो वो देर इज नो टॉक्सिसिटी, ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। सो 10 सीड्स आर 6 मिलीग्राम ऑफ राइसिन, इरिटेंट है, और लेंगे तो वोमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन, ऑल दिस, ठीक है। इसके साथ जो रिलेटेड है हाँ वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दैट इज एवरेस्ट प्रिकेटोर, नो दैट इज क्रोटॉन टिगलियम सीट, ठीक है, क्रोटॉन टिगलियम का जो सीट है ये मेरा ख्याल है कुछ सीट्स यहाँ पे थोड़े से रह गए थे, मैंने यहाँ मिक्स कर लिए हैं के साथ, मिक्स हो गए हैं, वो तकरीबन इससे साइज में थोड़े से छोटे हैं, ठीक है, अगेन दे आर थोड़े से ओवल शेप्ड हैं, ठीक है, और इसका जो कलर है दैट इज ब्लैकिश ब्राउन, ठीक है, इसमें देयर इज नो शाइन, इसका जो सरफेस है इसमें कोई शाइन नहीं है, कोई स्ट्रीक्स नहीं है, तो दिस इज द आइडेंटिटी की आप
इसको पहचान लें, प्रोटॉन्टिकलियम सीट, ठीक है। प्रोटॉन्टिकलियम के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल है दैट इज प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटॉन्टिकलियम एंड प्रोटीन इज द एक्टिव प्रिंसिपल। और इसका जो फेटल डोज है अगेन दैट इज, उसके सिक्स सीट्स थी ना, इसके फोर सीट्स, फोर क्रश सीट्स, ठीक है। और इसको आम लैंग्वेज में जमाल गोटा भी कहते हैं, ठीक है। जमाल गोटा कभी कभी आप लोग शराब करते हैं तो चावल वगैरह में शादी करने को मिला के खिला देते हैं, ठीक है। सो दे अंदर सीवियर डायरिया बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इरिटेशन। तो दिस इज अगेन दैट प्लांट ऑरिजिन का वो है, ठीक है। ऑलराइट, इसके साथ ये दे आर मार्किंग नट सीड्स, ठीक है। मार्किंग नट, मार्किंग नट, मार्किंग नट जो वॉशरमैन कपड़ों पे वो लगाने के लिए निशान वगैरह या कोई इसको करने के लिए, सो इसका जो दूसरा नाम है सेमीकार्पस इनकार्डियम, ठीक है। एंड द एक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इज रिलेटेड टू दैट सेमीकार्पोल एंड बिलोनो, ठीक है। अगेन बिलोंगिंग टू दैट क्लास ऑफ इरिटेंट पॉइजंस ऑफ द प्लांट ऑरिजिन, ठीक है। और एक हमने आर्टिफिशियल ब्रूस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। So commonly the artificial bruise is produced with this, ठीक है। True bruise और artificial bruise में जो difference है, then that can be your next viva question, कि इसमें आप कैसे कर रहे हो। तो chemical है इसके अंदर और वो artificial bruise बनाता है, तो naturally there is वहाँ उस side पर itching होगी, ठीक है। Vesication होगी, itching होगी, ठीक है। और कलर चेंजेस इसमें आर्टिफिशियल ब्रूज में कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। जो ट्रू ब्रूज होता है उसमें कलर चेंज इज दैट इज करेक्टिस्टिक, ठीक है। और आल्सो कैन बी यूज फॉर पनिशमेंट इज फॉर द एडल्ट्री और इस तरह की थोड़ी बहुत टॉर्चर पर्पज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में जो है सीड्स हैं स्मॉल कलर के, स्मॉल साइज के सॉरी, और कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये कुछ मिक्स भी हो गए हैं। बहरहाल एक है दतूरा सीड्स, ठीक है, और एक है कैप्सिकम सीड्स, ठीक है, चिली कैप्सिकम। तो जो दतूरा वाली सीड्स हैं ये थोड़े ब्राउन कलर के, ठीक है, ब्राउन कलर के। और कैप्सिकम वाले हाँ थोड़े से येलो कलर के हैं, वाइट येलो, ठीक है ना। अच्छा, कैप्स इसमें जो दतूरा सीड्स हैं इसमें कोई स्मेल नहीं होता, ठीक है। आप इसको स्मेल करें तो ये इसमें पंजन स्मेल, तो आप इससे पहचान सकते हैं, ठीक है। दतूरा कौन सी क्लास का पॉइजन है? इनेब्रिएंट। दतूरा, दतूरा का दूसरा नाम क्या है? बिट्रेल। नहीं, थान नेपल, थान नेपल, ठीक है, थान नेपल। और वो इसका जो फ्रूट होता है ये वाला इसके ये फ्रूट्स कुछ अभी राउंड सा होता है और ये तो थोड़ा सा पीसेस में बट गया है, तो उसके ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है, कांटे लगे होते हैं। फ्रेश कलर, फ्रेश स्टेट में ये ग्रीन कलर में होता है और बाकी ड्राई होने के बाद फिर ये कलर इसका आ जाता है, ठीक है ना। सो थॉर्न एप्पल और इसके अंदर जो सीड्स हैं दे आर दतूरा सीड्स। दतूरा सीड्स जो है या दतूरा के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल हैं
वो सारे एंटी कोलिनर्जिक इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, एट्रोपीन, आयोसिन, आयोसमीन, ये सारी चीज़ें दे आर ऑल एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस जो दतूरा का जो केस होता है पॉइजनिंग का, पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ दतूरा दैट इज करेक्टराइज बाय सारे इसके एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स होंगे और कुछ ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। सो जो हम आप लोग कहते हैं कि 9 डीज ऑफ दतूरा बताएं, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ और डिसार्थ्रिया, डिस्फेजिया और ड्राई स्किन, ड्राई हार्ट स्किन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ड्रंकन गेट, दे आर बिकॉज ऑफ दिस एंटी कोलिनर्जिक कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। फेटल डोज ऑफ दतूरा सीड्स, दतूरा सीड सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक है, बाकी पार्ट्स भी हैं प्लांट के लेकिन ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो फेटल डोज ऑफ दतूरा सीड दैट इज 100 to 125 सीड्स, ठीक है, 100 to 125 सीड्स। और दतूरा को अक्सर ये रोड साइड पॉइजन भी कहते हैं, ठीक है, रोड साइड पॉइजन। सो रोड साइड पॉइजन में बिकॉज दिस इज मोस्टली यूज, जो मुसाफर सफ़र कर रहे होते हैं, यहाँ से लोग बस में बैठ के लाहौर जा रहे हैं, तो उनको अक्सर रास्ते में ये चीज़ खाने की चीज़ों में मिला के उनको दिया जाता है, ठीक है। एंड देन दे आर, वो जो गाँव पहुँचते हैं तो उनका ना मोबाइल होता है ना पैसे होते हैं, कुछ कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है, और वहाँ पे सो मोस्टली यूज फॉर, सो दिस बिकॉज ऑफ दिस दिस इज रोड नोन एज रोड साइड पॉइजन, ठीक है। दतूरा के जो फ्लावर्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? बिल शेप्ड, बिल, ठीक है, ऐसा घंटी, हाँ, बिल शेप फ्लावर्स, ठीक है। इसमें तो देयर कुछ इसके वेराइटीज है, दतूरा अल्बा एंड दतूरा नाइग्रा, ये सारे इसके वो, ठीक है। सो दतूरा फ्रूट और टाउन एप्पल के साथ जो दूसरा एक है बेटर एप्पल दैट इज कोलोसिन, ठीक है, कोलोसिन का दूसरा नाम है बेटर एप्पल, और कोलोसिन के अंदर एक प्रिंसिपल दैट इज कोलोसिंथिन, ठीक है, कोलोसिंथिन होता है और वो भी प्लांट ऑरिजिन का इरेशन पॉइजन है, और उसमें उसके जो डायग्नोस्टिक फीचर हैं या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं देयर, कि उसमें येलो कलर डायरिया एंड येलो कलर, येलो कलर वोमिटिंग एंड येलो कलर डायरिया होता है, ठीक है, येलो कलर का। कैप्सिकम सीड्स जो हैं इसका जो फेटल डोज नहीं है, ठीक है, कोई सर्टन इसका है नहीं है, दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर टॉर्चर पर्पजेज, ठीक है, टॉर्चर मोस्टली जो पुलिस वाले हैं किसी सस्पेक्ट को पकड़ते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको टॉर्चर करते हैं और उनसे सच उगलवाते हैं, ठीक है। सो मेडिकोलिगल इम्पॉर्टेंस ऑफ दी इसकी ये है कि दिस इज़ यूज बाई द पुलिस फॉर टॉर्चर पर्पज इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं उसके, ठीक है, तो इसको कभी आपने डर के दरवाजे गोली भी नहीं जाना है, ठीक है। तो सम टाइम उस बंदे को लटका के इसको नीचे आग में आग जला के उसके अंदर डाला जाता है, एंड द स्मोक इज कमिंग, ठीक है, वो बड़ा इरिटेटिव किस्म का स्मोक होता है, एंड दैट इज इरिटेटिंग। सम टाइम दी चिली बैग्स होते हैं, पूरा एक बैग उसको सर के ऊपर पहना देते हैं, सो दैट स्मेल इज कमिंग एंड काजिंग इरिटेशन, ठीक है। और इसके अलावा हैदराबादी गोली भी है, ठीक है, सो द पुलिस टॉर्चर। और किस लिए यूज होता है? रॉबरी रॉबरी, हाँ रॉबरी, ठीक है, जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में लोग शाम के टाइम पे या अंधेरे में थोड़ा सा या इवन द डे टाइम व्हेन देयर इज नो बडी, तो कोई बंदा जा रहा है और उसके आंखों में फेंक के
they snatch the belongings. ठीक है, इवन दे कैन किडनेप द पर्सन, उसको आंखों में पहन के गाड़ी के अंदर डाल दिए और ले गए, ठीक है ना. सो इन द स्ट्रीट क्राइम्स इन द, और इसके अलावा इवन कैन बी यूज फॉर द इन द इवन द रेप ऑफ द फीमेल्स, ठीक है, उनको आंखों में थ्रो करके और उसके बाद. सो इन अ नंबर ऑफ क्राइम्स में अच्छा, इसके अलावा ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं, दे आर ऑफ द साइज ऑफ जो छोटा पी का दाना होता है, मटर का छोटा दाना जो होता है, उससे भी तकरीबन ज़रा छोटे हैं, ठीक है. तो दे आर ऑफ दिस साइज एंड दे आर रेड कलर, ठीक है, ब्राइट रेड कलर. और शेप जो है इसका पोल है और एक पोल पे ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी करेक्टरिस्टिक, आप इसको पहचान सकते हैं इजीली, ठीक है ना. दिस इज एब्रस क्रिकेटोरियस, एब्रस क्रिकेटोरियस, द एक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इज एब्रिन, एब्रिन, ठीक है, एब्रिन इज अटैक्स अल्ब्यूमिन, ठीक है. इसके जो पाउडर हैं, अगर इसको आंखों में डाला जाए तो दैट विल काज कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है. सम टाइम द इन सम ऑफ द प्रोफेशन, अगर लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता, तो वो आर्टिफिशियली ये चीज़ें डाल के आंखों में कंजंक्टिवाइटिस करा देते हैं, या स्किन को लगा दे तो वहाँ पर डर्माटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स इरिटेंट, ठीक है, डर्माटाइटिस कर लीजिए. और सुई आर मेड फ्रॉम एब्रस क्रिकेटोरियस. सो एब्रस क्रिकेटोरियस के सीड्स को डीकार्टिकेट करके उसके बाद इसको क्रश करते हैं, ठीक है, क्रश करने के बाद इसके साथ और क्या मिलाते हैं, दतूरा, यस, ओपियम, ऑनियन, ठीक है, ये चीज़ें मिला के इसके साथ मिक्स करते हैं जो पाउडर होता है, और देन उसमें पानी डाल के पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, पेस्ट बन गया, पेस्ट से सुईज दे आर मेड एंड देन दी सुईज दे आर ड्राइड, ठीक है, ड्राई करके देन दे आर, अगर आप स्टिक में लगाएंगे, स्टिक के एंड पे और एनिमल को उससे स्लैप करेंगे, सो दैट विल दैट स्टिक दैट नीडल विल एम्बेड इन दी एनिमल टिश्यू, ठीक है, वहाँ पे उसमें एम्बेड हो जाएगा, और एट दैट साइड देयर इज स्वेलिंग, देयर इज रेडनिंग, देयर इज हेमरेजिक फ्लूइड दैट इज कमिंग आउट, एंड देयर इज निक्रोसिस एट दैट साइड, निक्रोसिस डेवलप हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद दैट एनिमल कैन डाई. और एक इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है दैट इज विद द स्नेक बाइट, ठीक है, एक स्नेक बाइट, स्नेक के जो पॉइजन स्नेक के जो एक वो किस्म है दैट इज लाइक दिस, की वो अगर बाइट करे तो वहाँ से स्वेलिंग और हेमरेजिक फ्लूइड कमिंग आउट एंड निक्रोसिस दैट साइड, ठीक है, उसमें भी इसी तरह के पीछे होंगे. सो द ओनर ऑफ द एनिमल कैन मिस्टेकन इट एज ए स्नेक बाइट, ठीक है, जिसको वो हो सकता है. तो सुईज आर मेड इन दिस वे, ठीक है. और जो इसमें इरिटेंट है, कैप्सिकम सीड्स हमने देख लिए, दिस इज कैप्सिकम फ्रूट, ठीक है, कैप्सिकम फ्रूट. तो फ्रूट जो है वो तो हम खाने में यूज़ करते हैं ना, एज एपिटाइजर, ठीक है, बट दैट इज दी मेडिकोलिकल इम्पोर्टेंस जो हमने इसको. सो अगेन दैट इज एरिजेंट प्लांट ऑरिजन. और इसमें कौन से इरिटेंट्स,
यस कॉपर सल्फेट ठीक है कॉपर दैट हैवी मेटल और उसका एक जो साल्ट है दैट इज कॉपर सल्फेट अगेन दैट इज एन इरिटेंट पॉइजन और बहुत करैक्टरिस्टिक है ब्लू कलर का तो आप इजीली इसको पहचान लेंगे एंड कॉपर सल्फेट का जो फेटल डोज है दैट इज काफ़ी ज़्यादा है ठीक है कितना है 30 ग्राम ठीक है 30 ग्राम इज द फेटल डोज तो एक जो हमने एग्जिबिशनल पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था एग्जिबिशनल पॉइजनिंग कुछ लोग इसको थोड़ा सा लेके 30 ग्राम से कम लेके थोड़ा सा और उसके बाद वो वोमिटिंग स्टार्ट करते हैं एंड वोमिटिंग इज ऑफ दिस कलर ठीक है ग्रीन कलर या ब्लू कलर की वोमिटिंग हो जाती है और लोग दबाव में आ जाते हैं ठीक है सो पीपल आर प्रेशराइज्ड एंड समटाइम कुछ अपनी बात बनवाने के लिए या इस तरह कुछ लोगों को डराने धमकाने के लिए दिस इज डन ठीक है तो एग्जिबिशनल पॉइजनिंग कौन सी टाइप की पॉइजनिंग है दैट टाइप ऑफ पॉइजनिंग इन विच द पर्सन डोंट वांट टू किल हिमसेल्फ बट ही और शी इज गोइंग टू शी प्रिटेंड्स और ही प्रिटेंड्स दैट आई एम सीरियसली इल ठीक है एंड सो अ टाइप ऑफ क्या कहते हैं ब्लैकमेलिंग टाइप ठीक है अच्छा इसके बाद ये हाँ पाउडर है और कलर इसका तकरीबन क्रीमी कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट क्रीमी कलर पाउडर है ठीक है सो DDT जो हमारे पास एग्रोकेमिकल पॉइजन है एग्रीकल्चर में जो यूज़ होते हैं प्लांट्स को और इन चीज़ों को जो फसलों से जो पालतू पौधे होते हैं या उनको ख़त्म करने के लिए या जो इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए दीज आर यूज्ड ठीक है सो इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड्स और क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स है सो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स के अंदर DDT आता है ठीक है DDT का फेटल डोज कितना है 20 ग्राम ठीक है 20 ग्राम इज द फेटल डोज ऑफ DDT और जो बाकी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो काफ़ी सारे हैं उनका फेटल डोज आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछते उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ सकते हैं ठीक है हाउ दे एक्ट सो इन योर बॉडी देयर इज एन एंजाइम विच इज नोन एज एसिटाइलकोलाइन एस्टिबेस ठीक है एसिटाइलकोलाइन एस्टिबेस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट दैट इज गोइंग टू डिग्रेड द एसिटाइलकोलाइन रिलीज्ड ठीक है एसिटाइलकोलाइन जो रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर एट मुख्तलिफ जो मायो न्यूरल जंक्शन है मसल और न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है मायो न्यूरल जंक्शन या गेंगलियान के अंदर जो जंक्शन होते हैं बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वहाँ पे एसिटाइलकोलाइन रिलीज हो रहा है तो वो अपना एक्ट करके उसके बाद दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम दी दैट साइट सो उसके लिए एसिटाइलकोलाइन एस्टिबेज है ठीक है अब ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स ये आके एसिटाइलकोलाइन एस्टिबेज को इनहिबिट करते हैं ठीक है वो जब इनहिबिट हो जाएगा सो देयर विल बी नथिंग टू रिमूव द एसिटाइलकोलाइन फ्रॉम दीज साइट्स तो वहाँ पे देर विल बी कंसनट्रेशन उनकी इंक्रीज हो जाएगी एक्सेसिव कंसनट्रेशन और एक्सेसिव एक्टिविटी उसकी हो जाएगी ठीक सो कोल एनर्जी की एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी और सारे जो इसके निकोटिनिक एंड मस्करिंग जो एक्शन है एसिटाइलकोलाइन के दैट विल बी वो आपको पेशेंट में मिलेंगे ठीक है तो इसमें फिर आपके जो एक सिंड्रोम हमने पढ़ा था दैट वॉज स्लट सिंड्रोम स्लट सिंड्रोम और स्लज सिंड्रोम तो इसमें दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग ठीक है स्लट से व्हाट इज मीन बाय स्लट
नहीं वो तो नॉर्मल भी हो रहा है ना, एक्सेसिव एक्सेसिव आपने बताना है, ठीक है। अभी यू आर नॉर्मल, देयर इज नो पॉइजनिंग, लेकिन आपकी सिलेवेशन भी है, लिक्रीमेशन भी है, सो इन दैट केस देयर इज एक्सेसिव सिलेवेशन, एक्सेसिव लिक्रीमेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन, डायरिया, ठीक है, और मसल में फेसिकुलेशन, क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सो ये डिस्क शेप सीड्स हैं, डिस्क शेप और एश ग्रे कलर, ठीक है, एश ग्रे कलर डिस्क शेप सीड्स, बिल्कुल राउंडेड नहीं है थोड़े से, लेकिन वो है, एक साइड से ये कन्वेक्स है, दूसरी साइड से ओवल है, ठीक है, ये भी आसान है। दे आर नक्स ओमेगा सीड्स, नक्स ओमेगा सीड्स, और नक्स ओमेगा सीड के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्नीन, ठीक है, स्ट्रिक्नीन और कुछ और भी इसमें ब्रुसीन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कहाँ पे एक्ट करता है, स्पाइनल पॉइजन, ठीक है। वन ऑफ दी जो हमारे पास न्यूरोटिक है, न्यूरोटिक पॉइजन्स, तो उसमें दिस इज वन ऑफ दैट के स्पाइनल, और स्पाइनल पॉइजन्स में हमारे पास फिर कुछ स्टिमुलेंट्स, स्पाइनल स्टिमुलेंट्स है, कुछ डिप्रेसेंट्स है, सो दिस इज दैट स्पाइनल स्टिमुलेंट, ठीक है। Fatal dose of strychnine is 15 to 30 milligram, 15 to 30 milligram, ठीक है। और अगर आप सीड की बात करें तो वन क्रश सीड इज द फेटल डोज, ठीक है। स्पाइनल लेवल पे जब ये स्टिमुलेशन पास करेगा तो वहाँ पे एट द एंड पेशेंट को फिट्स भी पड़ते हैं और एक बॉडी की पोजीशन बन जाती है, दैट इज ओपेस्ट्रोनस पोजीशन, ठीक है। ओपेस्ट्रोनस में जो बॉडी है दैट इज अज्यूमिंग अ कर्व लाइक शेप, बिल्कुल एक कर्व की तरह बॉडी बन जाती है, और जस्ट द हील एंड हेड दे आर टचिंग द ग्राउंड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज अबव द सरफेस, ठीक है। तो इसमें और कुछ केसेस में जो बाकी बॉडी की जो अदर वे इसके जो कर्व्स बनते हैं साइड वाइज और तो प्लूरोस्टेटोनस और ये सारी चीज़ें आपकी बन सकती है, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी और ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है ना। तो इसकी आप मैनेजमेंट आपसे पूछते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ दी स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग। स्टमक वॉश जो हम पढ़ रहे थे उसमें देर वर सम कंट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर द स्टमक वॉश, वो कौन सी थी, कोरोसियस, कन्वल्जन्स एंड कोमा, ठीक है, कन्वल्जन आ गए ना, ठीक है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस द पेशेंट कैन हैव कन्वल्जन्स, फिट्स कन्वल्जन्स, उसको पढ़ सकते हैं। सो पेशेंट को आपने अब ये जो फिट्स पड़ रहे हैं किसी भी पेशेंट को, किसी भी वजह से फिट्स पड़ रहे हैं, तो फिट्स अगर आप उस बंदे को टच करेंगे तो फिट्स बढ़ते हैं, ठीक है। उसको अगर स्टिमुलेशन मिलती है शोर की वजह से तो अगेन फिट्स ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो आपने पेशेंट को डार्क रूम में लेके जाना है, वहाँ पे वो आपने उसकी केयर करनी है डार्क रूम में, ठीक है। देर शुड बी लाइट भी नहीं है उसमें, नॉइज भी नहीं होनी चाहिए, एंड देर शुड बी मिनिमल टचिंग ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर जब आएगा राउंड के दौरान पेशेंट को चेक करने के लिए या नर्स जब इंजेक्शन लगाती है, सो देर शुड बी मिनिमल हैंडलिंग, ठीक है। और इसके साथ फिर आपके फिट्स के लिए आप जो इंजेक्टेबल देते हैं डाइजीपाम, देट इज अवेलेबल विद द नेम ऑफ वेलियम, इंजेक्शन वेलियम, ठीक है, उसको डाइल्यूट करके आहिस्ता आहिस्ता आपने देना है जब तक इसके इफेक्ट्स कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। तो ये इसकी वो है।
ये वाइट कलर का पाउडर है, कैसे कैसे पता चला आपसे? नहीं स्प्रिंग कैसे ग्रेन्यूलर, ठीक है चले। और एक हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टर साहब दाद हैं, तो वो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट आपको जॉब दे एंड द स्टूडेंट हैज रीजंस फॉर हिज आंसर, तो उसको मार्क्स मैं देता हूँ, ठीक है। उसका जॉब अगर गलत भी है लेकिन ही और शी इज़ हैविंग सम लॉजिकल रीजंस, या उसकी बेस पे वो कुछ कह रहा है, ठीक है। मतलब इट शुड बी लाइक कि आप कोई तुक्का लगाए, ठीक है। सो आर्सेनिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दिस इज आइडियल होमिसाइडल, आइडियल होमिसाइडल एजेंट, ठीक है। तो आइडियल होमिसाइडल एजेंट्स के प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस, ठीक है। तो वाइट पाउडर है, आप इसको स्मेल करें सो देयर इज नो स्मेल, ठीक है। इसको अगर किसी ड्रिंक के अंदर डाला जाए और द पर्सन इज टेकिंग, कोई बंदा इसको पी रहा है, तो उसको कोई टेस्ट महसूस नहीं होगा, ठीक है। और इसकी कोई स्मेल भी नहीं है, कोई कलरलेस भी है, ठीक है। सो दिस इज, ये आप ऐसे पहचान लेंगे, ठीक है। वाइट कलर है, कोई स्मेल नहीं है, कोई खास इसकी रंग नहीं है, कोई वो नहीं है, टेस्ट नहीं है, सो दिस इज आर्सेनिक, और आर्सेनिक इज आइडियल होमिसाइडल एजेंट, ठीक है। आर्सेनिक का कौन सा साल्ट बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है? आर्सेनियस ऑक्साइड या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ठीक है, H2O3 आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। और ये आपके पास जो संख्या, इसको आम लैंग्वेज में संख्या भी कहते हैं, ठीक है, संख्या। सो इट्स हैविंग दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल होमिसाइडल एजेंट। फैटल डोज इसका कितना है? 120 to 200 मिलीग्राम, ठीक है, 120 to 200 मिलीग्राम, काफ़ी छोटा सा है, ठीक है, फैटल डोज। और आप 120 to 200 के साथ एम्फेटामिन भी याद कर लें, एम्फेटामिन का भी फैटल डोज इज द सेम, ठीक है। फैटल डोज ऑफ एम्फेटामिन वो भी इसी तरह है, ठीक है। 200 है कि 120 to 200 है? 140 नहीं है, ठीक है चले। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस भी थोड़ा सा फैटल डोज का रिलेटेड है, 60 to 120 मिलीग्राम, 60 to 120 मिलीग्राम, ठीक है। आर्सेनिक के बारे में आपसे जो मोस्ट ऑफ दी वाइवा क्वेश्चंस आर लाइक एक्यूट आर्सेनिक में व्हाट विल बी द फाइंडिंग्स इन दी बॉडी, ठीक है। एक्यूट आर्सेनिक में क्या क्लास कौन सा है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? एरिटेंट, ठीक है। एरिटेंट में इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में मेटालिक, ठीक है। तो एरिटेंट है, तो अगर कोई बंदा इसको लेगा ओरली तो क्या हो जाएगा? इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और उसके दर में देर इज वोमिटिंग, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो जो एक्यूट पॉइजनिंग का विक्टिम है, ही आर शी विल बी प्रेजेंटिंग लाइक अ डिहाइड्रेटेड पर्सन, ठीक है। डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेशन आपको कैसे पता चलता है? अगर आप किसी बंदे को देख रहे हो, सनकन आइज, म्यूकोजा इसका ड्राई होगा, आप इस म्यूकोजा को टच करेंगे मुंह के अंदर, या इसके टंग को आप टच करेंगे, दैट विल बी ड्राई, ठीक है। नॉर्मली दैट सलाइवा जो, सो दैट विल बी। और स्किन टर्गर जो है वो भी
इसका नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। आप स्किन को पिंच करेंगे तो बिल्कुल उसमें झुरियाँ बन जाती हैं, रिंकल बन जाती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। सो देयर आर, सो एक्सटर्नली द पर्सन विल बी डिहाइड्रेटेड, और आप इंटरनली स्टमक देखेंगे, स्टमक इज हैविंग अ वेरी रेड रेड वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है। तो दीज आर डायग्नोस्टिक। एक्यूट पॉइजनिंग, एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में योर एंटीडोट इज फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड फेरिक ऑक्साइड, फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड आर्सेनिक के साथ मिलके फेरिक आर्सेनाइट बनाता है, ठीक है। वो जो आर्सेनिक है वो आयरन के साथ कम्बिनेशन में आके फेरिक आर्सेनाइट बनाता है, एंड द बॉडी गेट्स रिड ऑफ द आर्सेनिक, ठीक है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के फीचर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो क्रॉनिक पॉइजनिंग के जो फोर स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ गेस्टो इंटेस्टिनल स्टेज, जिसमें एनोरेक्सिया, नासिया और वोमिटिंग एंड वेट लॉस ऑल दिस, ठीक है। और दूसरे में कटारल स्टेज है, तीसरा कौन सा स्टेज है, एंड द थर्ड स्टेज द स्किन एंड नेल्स दे आर इन्वॉल्व, ठीक है। स्किन में कौन सी चेंजेस आती है क्रॉनिक आर्सेनिक में, रैश भी बनता है और कोई पिगमेंटेशन भी होती है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ठीक है। ट्रंक के ऊपर देर इज पिगमेंट पिगमेंटेशन दैट इज नोन एज रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ठीक है। हाइपरकेरटोसिस ऑफ द पाम्स एंड सोल्स, ब्रिटल जो नेल्स है वो ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है, इजीली ब्रेक होते हैं। और मीज लाइन जो क्रॉस ट्रांसवर्स लाइन्स होते हैं क्रॉस द नेल्स और वाइट कलर की, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो मुख्तलिफ किस्म के पॉलिसीज, रेस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप और इस तरह की चीज़ें सीनियस सिम्टम्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये भी एक वाइट पाउडर, पाउडर तो नहीं है, दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। तो दिस इज एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन जो मार्केट में अवेलेबल है विद द नेम ऑफ डिस्प्रिन और मुख्तलिफ जो इसके, ठीक है। तो इट इज दैट थिंग, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं ओरली, अगर कोई ले ले टॉक्सिक डोजेज में, स्किन रैश होता है, फेशियल एडिमा होता है, ठीक है, नाजिया होता है और टिनाइटिस, ठीक है। कुछ नर्वस सिस्टम के साइन सिम्टम है और जी ए टी के सिम्टम होते हैं, ठीक है, वोमिटिंग और अब ये जो है कैन कॉज स्मॉल इरोजन्स एंड अल्सर्स इन दी स्टमक के अंदर, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके भी बहुत ज़्यादा सिवियर पॉइजनिंग में यू कैन हैव जो ब्लड जो आता है वोमिटिंग में दैट इज नोन एज हेमेटिमेसिस, ठीक है, हेमेटिमेसिस एंड मिलीना, ठीक है। और स्किन के अंदर आपको छोटे छोटे जो ब्लीड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फैट एंड डोज ऑफ एस्प्रिन दैट इज 20 टेबलेट्स, 25 टेबलेट्स, वो पैरास्टामोल के 5 to 10 gram, 5 to 10 gram इज द फेटल डोज ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। और पैरास्टामोल का जो है वो 10 gram, ठीक है। तो 10 gram मीन्स एक जो गोली होती है पैरास्टामोल की दैट इज 500 मिलीग्राम,
सो टेन सो दैट इज 20 टेबल्स 10 ग्रेम ठीक है वो हो जाता है जी एस्प्रिन के लिए जो विटामिन के फॉर दी और भी है इसका एंटीडोट तो इसको नहीं कह सकते वो एक तरीका है कि आप जो एब्जॉर्ब पॉइजन है वो आप कैसे रिमूव करते हैं बॉडी से ठीक है सो ये समटाइम When you change the pH of the urine, urine का pH आप change कर लें तो कुछ जो poison है drugs है वो जल्दी निकल जाते हैं ठीक है तो अगर आप urine का pH alkaline कर दें by giving sodium bicarbonate to the patient, drips उसका लगता है उसमें aspirin जल्दी निकलेगा ठीक है उसमें जल्दी निकलेगा aspirin और कौन सा poison है जो alkaline में जल्दी निकलता है alkaline urine में फिनोबार्बिटोन ठीक है सेलिसाइलेट्स और फिनोबार्बिटोन जो है दे रेडिली दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी व्हेन द पीच ऑफ द यूरिन इज अल्कलाइन ठीक है तो इस तरीके से हम उसको पैरासिटामोल का फेटल डोज वो हमने कर लिया और वो ज़्यादा जो उसके टॉक्सिसिटी है दैट इज हेपेटोटॉक्सिन ठीक है लिवर पे इसका ज़्यादा असर है और उसके लिए एंटीडोट क्या देते हैं एनिसिटाइल सिस्टीन ठीक है दैट इज द एंटीडोट और 10 ग्राम इज द फेटल डोज ये इसके अंदर ब्लैक सा एक मास पड़ा हुआ है चेयर्स हाँ चलो ये इस तरह का कोई और नहीं है ठीक है सो दिस इज चेयर्स चेयर्स जी आपको चाहिए सर ये ऊपर से क्यों कवर है इसको क्यों कवर किया हुआ बस ये काफी सारे कवर हैं सर ये तो सर पॉइजन ज्यादा है मरकरी है सो चरस चरस किस चीज से बनता है दैट इज वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कैनबिस इंडिका प्लांट जो कैनबिस इंडिका प्लांट होता है उसके चार जो प्रिपरेशन है दिस इज वन ऑफ दैट ठीक है उससे चरस बनता है भंग बनता है माजून एंड गांजा ठीक है चरस भंग माजून एंड गांजा दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ कैनबिस इंडिका जो भंग का जो पौधा होता है कैनबिस इंडिका प्लांट ठीक है एक्टिव प्रिंसिपल इसके अंदर क्या होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल ठीक है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल और जो फेटल डोजेज हैं इसमें जो चर्स है चर्स इज द मोस्ट कंसेंट्रेटेड फॉर्म इसमें जो THC होता है दिस इज द मोस्ट बंक का जो है फेटल डोज दैट इज उसका 10 ग्राम है और गांजा का जो है दैट इज 8 ग्राम और चरस का 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ठीक है पर केजी ये आपने इसके साथ याद रखना है पर केजी बॉडी वेट 10 ग्राम फॉर बंग और 8 फॉर
गांजा एंड टू फॉर चरस पर के जी बॉडी वेट. सो 67-70 के जी का एक बंदा है तो 120-140 इसका फिटल डोज बन जाएगा, ठीक है, ग्रेम. और इसके वाले से रन एमोक जो हमने पढ़ा था, ठीक है, रन एमोक जो क्रॉनिक इसके एडिक्स होते हैं सम टाइम दे रन एमोक, ठीक है ना. अच्छा इसमें ये फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, ठीक है. और इसका कलर आपको दिस शुड हैव बीन कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन इसमें इसका थोड़ा सा चेंज हो गया कलर. बट यू कैन डायग्नोज ये केरोसिन ऑयल फ्रॉम स्मेल, ठीक है, स्मेल से आपको आप इसको डायग्नोज कर लेंगे. सो स्मेल से आप केरोसिन ऑयल को जो कार्बोलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोलिक एसिड और अल्कोहल इन सारों के कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स हैं, ठीक है. सो केरोसिन ऑयल केरोसिन ऑयल का फेटल डोज दैट इज 10-15 ml 10-15